बिहार का बाढ़ से पुराना नाता रहा है। यहाँ पर हर वर्ष कोसी और गंगा दोनों मिलकर तबाही मचाती है। कुछ इलाकों को कोसी तबाह करती है तो कुछ इलाकों को गंगा तबाह करती है। लेकिन कटिहार जिले का कई ऐसा प्रखंड है जिसको दोनों मिलकर तबाह करती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटिहार के कुर्सेला में। ये वही स्थान है जहां पर गंगा और कोसी का मिलन होता है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये सामने जो है वो कोसी है और कोसी बिल्कुल शांत नजर आ रही होगी, लेकिन अभी जब नेपाल से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया है उसके बाद से ये स्थिति आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे कोसी की जो लहरें हैं वो उठती चली जा रही हैं और जलस्तर में वृद्धि होती नजर आ रही है। हम आपको दूर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि वो जो कास नजर आ रहा है, जो झाड़ियां नजर आ रही है, उसके ठीक बाद गंगा है और यहाँ से ठीक 300 से 400 मीटर बाद जाकर दोनों का मिलन हो जाता है और इसी को गंगा और कोसी का संगम कहा जाता है। कटिहार का कई ऐसा इलाका है जिसको पूरी तरीके से तबाह कर देती है। इस वक्त कुर्सेला के कुछ ग्रामीण हैं जो निचले इलाकों में धीरे धीरे अब पानी प्रवेश कर रहा है। पहले से ही ये लोग परेशान और त्राहिमाम थे, अब क्या स्थिति होने वाली है इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति अभी, है पानी? अभी पानी का 8 बजे से स्थिति बहुत ज्यादा जोर चल रहा है। आज 8 बजे से लेके पानी फड़का वाला पानी आ चुका है यहाँ पर। अभी पानी कब क्या करेगा, कितना तबाही मचाएगा, वो तो कहना मुश्किल है। हम लोग इससे परेशान हो रहे हैं अभी तक, ये कब क्या होगा ये तो खुदा जाने। अच्छा, गंगा कितना तबाह करती है? गंगा और कोसी दोनों का मिलन एक ही रास्ता में है बस। अगर गंगा भी आया, ये भी आया तो तहलका ही तहलका मच जाएगा। लेकिन अगर गंगा घटते रही तो? गंगा घटते रही तो कुछ राहत मिलेगा। ये छोड़ा हुआ पानी जितना रहेगा जितना डुबा सके, भसा सके। अच्छा, अभी कितने दिन से आप लोग परेशान है? ये कुछ दिन पहले से परेशान, 2 महीना पहले से परेशान थे हम लोग, 1 महीना पहले से लगातार परेशान थे। लेकिन ये 15 दिन से चल रहा है, सरकार दे रहा है भोजन भात, उसी खा खा के सब लोग यहाँ सिविल पर खाते हैं, यहाँ बांध पर आके। अब अगर पानी की वृद्धि होती है, गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती है या कोसी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, इससे कितना दिन और तबाह रहने वाले हैं? ये तो कहना मुश्किल है। पानी ही जो भी करेगा से पानी ही करेगा। पानी घट जाने के बाद तो हम लोग तो फिर सुखाड़ा अपना अपना घर स्थान पकड़ लेंगे। अच्छा, फड़का बड़ा जगह खोल दिया जाता है या खुला हुआ है भी तो कितने दिन में पानी चले जाएगा? यो कम से कम महीना लग जाएगा पानी को निकलने में, घर द्वार सूखने में हमको महीना ही लग पार कर देगा। अच्छा, एक चीज बताइए तो कितने लोग जो है वो तबाह होते होंगे, कितनी आबादी प्रभावित होती होगी? बहुत सा लोग तबाही है, माल मवेशी मनुष्य यानी कि हर चीज तबाही इन पानी से। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। एक चीज बताइए, ये पानी कितना तबाह करती है आप लोगों को? पानी तो बहुत तबाह करती है। हम लोग जो है पानी के अंदर जाते हैं, थोड़े पानी में रहते हैं और बच्चे बुच्चे जो घास भूसा लिए बहुत परेशान है, बहुत दूर जाना पड़ता है गाड़ी पर। और अच्छा, कितने लोग प्रभावित होंगे अभी? हमारे गांव के पत्थर टोला के कम से कम रखिए 1200-1400 आदमी बहुत प्रभावित है। सिर्फ एक गांव की बात है? एक गांव की बात है। ऐसे कितने गांव प्रभावित होंगे? हाँ, खेड़िया है, पत्थर टोला है, सहनी टोला है, जादू टोली है, लगभग 16 से 17 पंचायत। हाँ हाँ, इतना मैंने सब प्रभावित है। मतलब कह सकते हैं कि 2 लाख लोगों की आबादी जो है वो प्रभावित? हाँ, 2 लाख आदमी मैंने यहाँ बहुत मैंने परेशान हुए हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी पत्थर टोला में रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप फिर से सुन रहे हैं पानी में वृद्धि हो रही है, क्या लग रहा है? सही वृद्धि हो रहा है। सुबह से पानी, रात में थोड़ा सा घटा था लेकिन सुबह से 7-8 बजे से पानी बढ़ने लगा। अब कितना और परेशानी झेलना पड़ेगा? अभी तो कोई हिसाब नहीं है इसका, पानी कितना आएगा और कितना परेशानी होगा इसको कोई हिसाब नहीं लगता। फिर भी 1 सप्ताह 15 दिन, कितना दिन? अभी रखिए 15-20 दिन का फर्क है। 15-20 दिन और परेशानी? हाँ, अभी और परेशानी होगा। चाचा, कैसे जिंदगी जीते हैं आप लोग, कहाँ पर जिंदगी बिता रहे हैं? हम लोग जो है यहाँ पर ऊंचा स्थान में हैं, बाल बच्चा लेके माल मवेशी लेके यहाँ पर हैं और किसी ढंग से यहाँ पर रहे हैं, ऊंचा स्थान में हैं। ठीक है, कुर्सेला का पुल के नजदीक है हम लोग यहाँ हैं। ये जो बांध पत्थर ठोकर है वो जो कट जाएगा, रजिस्ट्री मेरा जो कटिहार जिला है वो भी भाग जाएगा। मतलब कि ये भी कटने वाला है क्या? हाँ, कटने वाला है। एक पीपल के पैर है उसी जगह पे कटने वाला, यहाँ पर गड्ढा है। मतलब कटाव शुरू हो गया था पहले भी? हाँ, पहले कटाव भी शुरू हो गया, एक बार कटा तो मट्टी सरकार ने भरा, फिर उसी के आगे में जो है कटने वाला यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने दिन तक आप लोग ये
जो नजारा है वो देखते हैं या कितना दिन परेशानी को झेलते हैं आप लोग? परेशानी को दो महीना यहाँ झेलते हैं। मतलब दो माह आप लोगों की यही स्थिति होती है? हाँ, हर साल में होता है, यही गिंजन होता है यहाँ। तो कैसे खाना पीना आप लोगों का कैसे होता है? कैसे यहाँ सिविल, सरकार ने सिविल देता है तो हम लोग वही बनाता है और खाते हैं, उसी खा के हम लोग गुजर करते हैं। करते हैं। कितना टाइम शिविर में खाना मिल जाता है? खाना पता दिन से यहाँ कितने 8 बजे रात में मिलता है, सुबह 10-11 बजे के खाना मिलता है। चलिए कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे बच्चों को लेके कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? बांध पर रहते हैं बच्चों को लेकर सबके। क्यों, ऐसा क्यों स्थिति उत्पन्न होता है? बहुत खराब स्थिति देखते हैं। अच्छा, बांध पर गुजर करते हैं, वही सिविल में खाता है बाल बच्चा, वही बन्ना पर रहते हैं पन्नी टांग के। कोसी गंगा मैया से क्या कहेंगे? कोसी गंगा मैया से क्या कहेंगे, पानी आइए रहा है कि अब कितना तबाही मचाएगा, और 2 महीना मचाएगा कि 1 महीना मचाएगा, कोई नहीं देख सकता। कहते हैं गंगा मैया से, हम यही कहना चाहते हैं प्रार्थना करके, गंगा मैया अभी से हम लोग के राहत दे दे, अभी भी राहत दे दे, तो हम लोग खुशी से जिंदगी इतना काट सकते हैं सुखा में। अच्छा, एक चीज बताइए, जब गंगा कोसी शांत रहती है तब कितना फायदा होता है आप लोगों को? तो हम लोग को खूब बड़ा अच्छा फायदा, जब सुखार में रहते हैं तो खूब फायदा है, सुखा से रहने के बाद में बाल बच्चा सुखा में रहते हैं, आनंद से खाते हैं कमाते हैं। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जब गंगा और कोसी दोनों की जलस्तर में जब वृद्धि होती है तो किस तरीके से तबाही मचाती है, और अभी नेपाल से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद इन लोगों के मन में भय जरूर बन गया है कि फिर से हम लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाएगा, और स्थिति 2 माह से पहले से ही खराब है। शिविर में आकर भोजन करने को मजबूर हो रहे हैं ये लोग, उसके बाद अपने जीवन को एक तटबंध पर बिता रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इस तटबंध की भी स्थिति सही नहीं है, इसमें भी कटाव शुरू हो चुका है, अगर वो कट जाता है तो पूरी तरीके से कटिहार जिला जलमग्न हो जाएगा और पूरी तरीके से कटिहार जिले के जो लोग हैं वो बाढ़ प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि अभी कुछ कटिहार जिले के जो ऊंचे स्थान है वहां की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन निचला इलाका कि जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और आपने ग्रामीणों से ये सुना कि किस तरीके की यह स्थिति उत्पन्न हो रही है और अब कब तक होगा यह कहना मुश्किल है। तो इन लोगों का कहना है कि किसी तरीके से माँ कोसी और माँ गंगा जो है वो दोनों शांत हो जाए। हालांकि जब गंगा के जलस्तर में कमी होती है तो कोसी का प्रभाव इन इलाकों को नहीं झेलना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव झेलना पड़ता है, लेकिन जब दोनों के जलस्तर में वृद्धि होती है तो इन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। वहीं जब इन दोनों के जलस्तर में वृद्धि नहीं होती है, ये दोनों शांत रहती है, तो इन लोगों का जो जीवन है वो खुशहालियों से भर उठता है, क्योंकि इन लोगों की फसल लहलहा उठती है। तो अब देखना यह होगा कि कितने दिन तक यह पानी इन लोगों को और तबाह करने वाली है।